सो द टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज एरिथ्रोपोइसिस ये एक फाइव स्टार इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड फिजियोलॉजी से जो इस पे शॉर्ट नोट्स मतलब आता ही आता है तो ये टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इसको अच्छे से समझेंगे समझेंगे और ये टॉपिक को हम लोग मेनली डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस स्टेजेस ऑफ एरथ्रोपोइसिस और रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोसिस तो अगर कभी भी एरिथ्रोपोसिस पे डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स आता है तो हम लोगों को ये तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है या फिर हम लोगों को पार्ट वाइज आ सकता है कि रा, राइट अबाउट द साइट ऑफ अरिथ्रोपोस राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेजेस ऑफ अरिथरोपोसिस एंड राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस तो ये अलग अलग भी आ सकता है है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स के 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 बारे में के के बारे में में बात बात करेंगे करेंगे या फिर कुछ बेसिक पैरामीटर्स जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि वाईवाज और एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग आरबीसी के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं वट इज द शेप ऑफ द आरबीसी सबसे पहला क्वेश्चन होता है तो शेप ऑफ द आरबीसी जो होता है वो सर्कुलर बाइकन केव नॉन न्यूक्टेड डिस्क होता है ये डायमीटर ऑफ द आ बी सी सेवन माइक्रोमीटर और यू कैन सेवन पॉइंट थ्री माइक्रोमीटर होता है जो कि रेंज करता है फ्रॉम सिक्स पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट एट माइक्रोमीटर काउंट ऑफ द आर बी सी पूछा जाता है एट बर्थ जो काउंट होता है आर बी सी का वो सिक्स टू सेवन मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है और उसके बाद एडल्ट में जाने पर यह काउंट कम हो जाता है एडल्ट मेल में इसका काउंट होता है आर बी सी का फाइव टू सिक्स मिलियन पर माइक्रोलीटर और एडल्ट फीमेल में होता है फोर पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पर माइक्रोलीटर नेक्स्ट इज़ लाइफ स्पैन ऑफ आर जो होता है वो वन ट्वेंटी डेज़ होता है साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन आर का डिस्ट्रक्शन जो होता है वो टिशू मैक्रोफेज़ सिस्टम में होता है जिसको हम लोग पहले रेटिकुल सिस्टम पे कहते थे वहाँ पे वो वहाँ पे इसका साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है एंड आर के लिए क्योंकि आर एक नॉन न्यूक्टेड स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है राइबोजोम भी नहीं होता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है तो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है तो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी प्योरली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है कोई प्रोटीन नहीं कोई अमाइनो एसिड नहीं कोई दूसरा सब्सट्रेट नहीं सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ही इसका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और इस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए जो ये एंजाइम्स यूज़ करता है वो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स होते हैं तो ये आ के कुछ बेसिक पैरामीटर्स है जो कि हम लोग से वाइवा और एम के अंदर पूछे जाते हैं और ये बहुत फ्रीकुंटली पूछे जाते हैं नेक्स्ट इज अबाउट द वेरिएशन इन द सेप साइज स्ट्रक्चर ऑफ आर कुछ वेरिएन्स के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए जैसे सबसे पहला होता है एन आइसोसाइटोसिस एन आइसोसाइटोसिस मतलब होता है वेरिएशन इन द साइज़ ऑफ द आर बी के साइज़ में अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिख रहा है हम लोगों को एक स्लाइड के अंदर इसका मतलब पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम एन आइसोसाइटोसिस पोइकुलोसाइटोसिस मतलब वेरिएशन इन शेप ऑफ आर बहुत सारे आर हैं और वो आर के शेप में हम लोगों को बहुत ज़्यादा वेरिएशन अगर देखने को मिल रहे हैं देन दैट कंडीशन इज नोन एज पोइलोसाइटोसिस नेक्स्ट इज स्फीरोसाइटोसिस हमें पता है कि जो हमारा आर होता है वो एक बाइकनकेव सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है अगर वो बाइकनकेव सर्कुलर से स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाता है मतलब आर जो हो जाते हैं वो स्फेरिकल हो जाते हैं देन दैट कंडीशन इज नोन एज स्फेरोसाइटोसिस नेक्स्ट कंडीशन इज नोन एज एनीमिया एनीमिया सिंपल सी बात है एनीमिया के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन एक डिटेल्ड वीडियो भी बनेगा जिसमें हम लोग डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया और डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमियाज को डिस्कस करेंगे तो एनीमिया मतलब क्या होता है कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ आर और रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इसको हम लोग एनीमिया कहते हैं जिसकी वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है मतलब अगर आर अगर लेस देन फोर मिलियन पर माइक्रोलीटर चला जाता है या फिर हीमोग्लोबिन लेस देन ट्वेल्व ग्राम पर डेसी लीटर मतलब अपने नॉर्मल वैल्यूज से भी कम हो जाता है देन दैट कंडीशन इज़ नोन एज एनीमिया फिर एनीमिया को हम लोग माइल्ड मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में डिवाइड कर जाते हैं कर देते हैं ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ आरबीसी जब आरबीसी का काउंट मोर देन सिक्स मिलियन पर माइक्रोलीटर चला जाता है देन दैट कंडीशन इज़ नोन एज पॉलीसाइथेमिया तो ये कुछ वेरिएशनस हमने देखे जो कि आर के अंदर हो सकते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट कंडीशनस का डेवलपमेंट हो सकता है ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमने देखे जिस जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वाइवाज एल एम के अंदर मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद होने चाहिए अब हम लोग अपने जो ये जो टॉपिक प्रॉपर टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस उसको डिस्कस करेंगे जिस पे शॉर्ट नोट्स आता है साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस पहले डिस्कस करेंगे फिर स्टेजेस एंड फिर रेगुलेशन ऑफ एरेथ्रोपोइसिस सो व्हाट इज एरिथ्रोपोसिस एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ आरबिसिस या फिर फॉर्मेशन ऑफ आरबिसिस एरिथ्रो मतलब आरबिसिस एंड पोइसिस मतलब डेवलपमेंट और फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस एक सब एक पार्ट होता है हीमोपोइसिस का हीमोपोइसिस मतलब होता है हीम मतलब ब्लड एंड पोइसिस मतलब डेवलपमेंट हीमोपोइसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इन सब के डेवलपमेंट को कंबाइनली हम लोग कहते हैं हीमोपोइसिस अब इसके फर्दर पार्ट अब इसमें एक एक ब्लड सेल का अलग अलग नाम हो गया तो एरिथ्रोपोइसिस मतलब हो गया डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी ल्यूकोपोइसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड मेगा मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे फ्रिक्वेंटली आर्ज जो होता है वो एरिथ्रोपोइसिस ही होता है तो इस एरेथ्रोपोसिस को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग ने कहा था कि इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें सबसे पहला पार्ट दैट इज साइट ऑफ एरिथ्रोपोसिस हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो आर का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होता है ये होता कहाँ है सो so, जो आर का फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ में डिफरेंट जगहों पे होता है जैसे अगर हम लोग बात करें इंट्रा यूटराइन लाइफ में तो इंट्रा यूटराइन लाइफ में अप टू थ्री मंथ्स ऑफ द फीटल लाइफ जब बच्चा जो इन यूट्रो होता है फीटस में होता है फीटस के फॉर्म में होता है तो अप टू थ्री मंथ्स आर का जो फॉर्मेशन होता है वो यॉक्सैक में होता है आफ्टर थ्री मंथ्स ऑफ द फीटल लाइफ तीन महीने के बाद जब वो पेट में रहता है या फिर इन न्यूट्रो रहता है बच्चा तो फिर उसका डेवलपमेंट होता है आर बी का डेवलपमेंट होता है लीवर एंड स्प्लीन में एंड आफ्टर सिक्स मंथ्स ऑफ द फीटल लाइफ ये बोन मैरो के अंदर आर बी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है जब चिल्ड्रन चिल्ड्रन के स्टेज में कोई भी आता है तो चिल्ड्रन के चिल्ड्रंस में अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो आर का फॉर्मेशन होता है वो सारे बोन्स में होता है जिन बोन्स के अंदर रेड मैरो होता है तो मेन एरिथ्रोपोसिस uh, जो होता है वो बोन्स के अंदर ही होता है चिल्ड्रेन के अंदर जो ऐसे बोन्स जिनके अंदर रेड मैरो प्रेजेंट है और लीवर एंड स्प्लिन में भी कुछ एक्सटेंट तक आरबीसी uh, uh, का डेवलपमेंट होता है लेकिन अगर प्रॉपर एडल्ट्स के अगर अंदर हम लोग बात करें तो एडल्ट्स के अंदर एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स जैसे कि ह्यूमरस और ह्यूमरस और फीमर में होता है और फ्लैट बोन्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जैसे कि स्कल हो गया स्टर्नम हो गया वर्टिब्रा हो गया रिप्स हो गया पेल्विस हो गया इन सब के अंदर डेवलपमेंट होता है मतलब अगर आ, हम लोग जो नॉर्मल एडल्ट्स हैं इनके अंदर हमसे पूछा जाए कि हमारे अंदर अगर, अगर, अगर आर का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है तो हमारे अंदर आर का फॉर्मेशन फ्लैट बोन्स के अंदर होता है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर फ्लैट बोन्स हैं जैसे कि स्कल हो गया स्टर्नम हो गया वर्टिब्रा हो गया रिब्स हो गया हो गया और जो 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 लॉन्ग बोन्स के एंड्स होते हैं जैसे कि ह्यूमरस का जो का का एंड एंड होगा होगा फीमर उनके अंदर फॉर्मेशन होता है तो ये था साइट ऑफ एरि नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेजेस ऑफ एरिपोइसिस नाउ कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस और इस इन स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस होते जाते हैं वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये जो एरिथ्रोपोसिस है इस पूरे एरेथ्रोपोसिस को होने में लगभग सेवन टू नाइन डेज लगते हैं सी आरबीसी आर बी सी का लाइफ स्पेन जो होता है वो वन ट्वेंटी डेज़ का होता है मतलब वो सर्वाइव वन ट्वेंटी डेज़ तक कर क, क, तक करता है लेकिन ये जो आर बी सी बनने में जो समय लगता है जो टाइम लगता है वो सेवन टू नाइन डेज़ का होता है तो ये जो एरिथ्रोपोसिस होता है इसमें सबसे पहले अ, अ, हमारे मै, बोन मैरो के अंदर हीमोसाइटोब्लास्ट होते हैं जो कि एक्चुअली में स्टेम सेल्स होते हैं जो कि प्लूरीपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल्स होते हैं ओके okay, तो प्लोरीपोटेंट मतलब ये कोई भी सेल बना सकते हैं ये आ के लेनीएज में आर भी बना सकते हैं डब्लू के लेनीएज में जा करके डब्ल्यू भी बना सकते हैं और ये प्लेटलेट्स के लिएज में जा करके प्लेटलेट्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये है और अनकमिटेड होते हैं ये मतलब कमिटेड नहीं है कि ये सिर्फ आर ही बनाएंगे डब्ल्यू बनाएंगे या फिर प्लेटलेट्स ही बनाएंगे दीज आर अनकमिटेड सेल्स तो ये जो हीमोसाइटोब्लास्ट और स्टेम सेल्स जब होते हैं जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें आर ही बनाना है तब जा करके ये कन्वर्ट होते हैं सबसे पहले प्रो एरेथ्रोब्लास्ट के अंदर फिर ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट का एंड फिर बनते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट फिर बनते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट फिर बनते हैं रेटिकुलोसाइट एंड फिर बनते हैं एरिथ्रोसाइट तो ये स्टेजेस हो गए सबसे पहले हीमोसाइटोब्लास्ट उसके बाद प्रो एरिथ्रोब्लास्ट प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बाद अर्ली इंटरमीडिएट और लेट नॉर्मोब्लास्ट फिर रेटिकुलोसाइट जो कि एक डायरेक्ट प्रिकर्सर या फिर इमीडिएट प्रिकर्सर होता है एरिथ्रोसाइट का एंड फाइनली बनते हैं एरिथ्रोसाइट क्लियर ये सारे स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस हो गए अब इन स्टेजेस के अंदर जो हमारा लेट एंड नॉर्मो ब्लास्ट का स्टेज होता है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है अर्ली लेट नॉर्मो ब्लास्ट और लेट लेट नॉर्मो ब्लास्ट तो ये दो फर्दर सब टाइप्स होते हैं लेट नॉर्मो ब्लास्ट के अब ये पूरा के पूरे स्टेजेस में हम लोगों को ये देखना है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं तो जब हम लोग जब भी ये लीनियज चल रही होती है जब भी ये फॉर्मेशन हो रहा होता है तो जो सेल का साइज़ है जैसे हीमोसाइटोब्लास्ट के अंदर जो सेल का साइज़ होगा उससे प्रो में कम हो जाएगा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में और कम हो जाएगा और करते करते एरिथ्रोब्लास्ट में सबसे छोटा सेल साइज़ हो जाएगा मतलब नीचे आते समय क्या होता है कि सेल का साइज़ जो होता है वो कम होता चला जाता है न्यूक्लियस का साइज भी कम होता चला जाता है तो अब अगर सेल का साइज़ कम हो रहा है लेकिन न्यूक्लियस का साइज़ और ज़्यादा कम हो रहा है तो ऐसा कह सकते हैं कि रिलेटिवली साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है इसलिए जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है वो नीचे जाते समय बढ़ता जाता है तो सेल का साइज़ कम हो रहा है न्यूक्लियस का साइज कम हो रहा है और साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है नीचे आते समय क्या होता है कि हीमोग्लोबिन भी बढ़ता चला जाता है मतलब प्रो एरथो में सबसे कम हीमोग्लोबिन होगा मतलब नहीं होगा हीमोग्लोबिन एक्चुअली में इसके ऊपर तो हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है इंटरमीडिएट नॉर्मो ब्लास्ट एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर हीमोग्लोबिन अपियर होना स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर हीमोग्लोबिन बढ़ता चला जाता है और एरिथ्रोसाइट या फिर आर के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो हीमोग्लोबिन का कंटेंट इंक्रीज़ होता चला जाता है जैसे ही ये आरबीसी का फॉर्मेशन होता चला जाता है माइटोसिस जो होता है वो कम होता चला जाता है मतलब हीमोसाइटोब्लास्ट और प्रोरेथ्रोब्लास्ट इन सब के लेवल में क्या होता है कि एक एक्टिव एक माइटोसिस होता है माइटोसिस बहुत ही ज़्यादा होता है अर्ली लेट नॉर्मल ब्लास्ट के अंदर क्या होता है कि माइटोसिस स्टॉप हो जाता है और इसके बाद फिर माइटोसिस नहीं होता है तो माइटोसिस जो होता है वो भी कम होता चला जाता है या फिर स्टॉप होता चला जाता है जैसे ही आर का फॉर्मेशन होता चला जाता है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेनिंग रिएक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म जब साइटोप्लाज्म को हम लोग स्टेन करते हैं तो जो ऊपर की जो ऊपर ऊपर में क्या देखने को मिलता है हम लोगों को डीप बेसोफिलिक स्टेन देखने को मिलता है फिर धीरे धीरे ये पॉलीक्रोमेटोफिलिक हो जाता है जिसमें एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक दोनों लेने लगता है एंड फाइनली क्या हो जाता है एसिडोफिलिक हो जाता है इसका रीज़न होता है ड्यू टू द डिक्रीज इन द कंटेंट ऑफ आर जैसे ही ये आर अपना फॉर्मेशन को प्रोसीड करता है तो उसकी वजह से आर का कंटेंट क्या होता है कम होता चला जाता है जिस वजह से ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो हो जाता है वो एसिडोफिलिक हो जाता है तो ये स्टेनिंग रिएक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म हम लोगों को समझ में आ गया तो ये हम लोग को समझ में आ गया मतलब हीमोसाइटोप्लास्ट के अंदर क्या होगा कि इसका सेल साइज सबसे कम सबसे ज़्यादा होगा इसका एरिथ्रोसाइट में सेल साइज सबसे कम हो जाएगा न्यूक्लियस का साइज़ भी यहाँ सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा रिलेटिवली साइटोप्लाज्म यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी ऊपर से नीचे जब आएंगे तो एरिथ्रोसाइट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा माइटोसिस यहाँ पर जा करके स्टॉप हो जाएगा और स्टेनिंग रिएक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म अगर देखा जाए तो वो एसिडोफिलिक होगा जबकि ऊपर की तरफ बेसोफिलिक होगा और बीच में पॉलीक्रोमेटोफिलिक्स होते हैं क्लियर कुछ और बातें हम लोगों को पता होना चाहिए जैसे कि जो अर्ली लेट नॉर्मल ब्लास्ट होता है उसमें कार्टवील अपीयरेंस देखने को मिलता है हम लोगों को रेटिकुलर साइड तक आते आते न्यूक्लियस कंप्लीटली एबसेंट हो जाता है न्यूक्लियस का साइज़ कम होता चला जाता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और रेटिकुलर साइड में आकर के तो खत्म ही हो जाता है और रेथियोसाइट में भी खत्म होता है तो धीरे धीरे ये न्यूक्लियस जो होता है वो डीजनरेट करता चला जाता है तो ये सारे स्टेजेस ऑफ रिथ्रोपोसिस पता होने चाहिए जिसमें हम लोगों को स्टेजेस के सारे नाम पता होने चाहिए रिथ्रोपोसिस के और हम लोगों को पता होना चाहिए कि इस इन स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसमें ये मेन पाँच चेंजेस हम लोगों को पता होना चाहिए क्लियर सो दिस वॉज अबाउट द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोसिस अब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के बारे में सो so, नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोसिस मतलब जो आर बी सी का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट हो रहा है उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है हमारी बॉडी उसको रेगुलेट कैसे करती है तो इसको रेगुलेट करने के लिए मेनली दो फैक्टर्स का रोल होता है एक होते हैं कुछ जनरल फैक्टर्स और एक होते हैं कुछ स्पेशल मैचुरेशन फैक्टर्स तो एरिथ्रोपोसिस को रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि कब एरिथ्रोपोसिस इंक्रीज़ करवा दिया जाता है हमारे बॉडी से कब डिक्रीज़ करवा दिया जाता है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जनरल फैक्टर्स में जैसे हाइपोक्सिया पे डिपेंड करता है हॉर्मोन्स कुछ होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि कैसे एरिथ्रोपोसिस रेगुलेट होगा और कुछ स्पेशल मैच्येशन फैक्टर्स होते हैं स्पेशल मैचूरेशन फैक्टर्स मतलब जो कि आर के मैच्योशन के लिए रेस्पॉसिबल हैं मतलब आर के फॉर्मेशन के लिए तो आर का फॉर्मेशन तो हो ही गया उसके बाद उसको के लिए उसके मैचुरेशन के लिए जो रेस्पॉसिबल है उनमें कुछ बैटरी फैक्टर्स आ जाते हैं कुछ कैसल्स इंटेंसिक फैक्टर और कुछ एक्सटेंसिक फैक्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं तो ये सब सब कंबाइनली मिला करके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस तो एक एक फैक्टर्स को हम लोग छोटा छोटा डिस्कस कर लेते हैं सी हाइपोक्सिया के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि हाइपोक्सिया इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूमुलेसन फ़ॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज तो क्या होता है कि जब हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है हाइपोक्सिया इज हाइपोक्सिया इज लैक ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल जब भी टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे किडनीज से एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाता है और एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है तो इस तरह हाइपोक्सिया जो होता है वो एरेथ्रोपोसिस को रेगुलेट कर देता है कि जैसे ही हाइपोक्सिया की कंडीशन में कोई भी आ, कोई भी इंडिविजुअल पहुंचेगा तो उसकी वजह से आरबीसी का काउंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोटिन बाय किडनीज नेक्स्ट हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ हार्मोन्स के भी इंफ्लुंस में होते हैं आरबीसी का प्रोडक्शन जैसे कि थायरॉक्सिन हो गया एंड्रोजेंस हो गए और कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हो गए तो ये जो थायरोक्सिन एंड्रोजन्स और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जिसमें हम लोगों को पता है कि थायराइड स्टमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच आता है एसीटीएच आता है जीएच आता है ग्रोथ हार्मोन एल एच आता है एंड प्रोलैक्टिन आता है तो ये जो थायरोक्सिन एंड्रोजन्स और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है ये स्टूमुलेट करती हैं आर के प्रोडक्शन को जबकि जो एस्ट्रोजन है वो डिक्रीज करता है आर बी सी के प्रोडक्शन को इस वजह से अगर हम आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था काउंट में कि एडल्ट मेल के अंदर जो आर का काउंट होता है वो ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडल्ट फीमेल उसका रीज़न ये होता है कि एडल्ट फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का क्वांटिटी ज़्यादा होता है और ये एस्ट्रोजन जो होता है वो आर के प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाता है ठीक है तो वो एक रीज़न यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो जाता है तो ये हमने हाइपोक्सिया डिस्कस कर लिया कि कैसे वो आर को स्टुमुलेट करता है और हॉर्मोन्स में थायरोक्सिन एंड्रोजन्स और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन भी आर के प्रोडक्शन को स्टुमुलेट करते हैं जबकि एस्ट्रोजन जो है वो आर के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है अब कुछ स्पेशल मैचोरेशन फैक्टर्स की हम लोग बात करेंगे तो so स्पेशल मैचूरेशन फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइटरी फैक्टर्स की तो डायट्री फैक्टर्स में हम लोग को पता है कि आयरन में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो हीम होता है वो बनता ही आयरन से है तो आयरन की अगर कमी होगी तो आरबीसी का मैच्योशन या फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा तो डायट्री फैक्टर्स में आयरन एंड फॉलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है जो कि मैचोरेशन ऑफ फारबेसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फिर मैंगनीज कॉपर कोबाल्ट और निकल होता है कैल्शियम होता है जो कि मैच्येशन ऑफ आरबीसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा हमारे गट से विटामिन सी और विटामिन बी ट्वेल्व होता है जो कि मैचोरेशन ऑफ द आ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और प्रोटीन्स होता है जिससे मेनली ग्लोबिन जो चेन होता है हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो प्रोटीन से बनता है तो ये प्रोटीन्स भी रेस्पॉसिबल होता है फॉर द मैचोरेशन ऑफ द आर तो ये सारे डायट्री फैक्टर्स हैं जो जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मैचोरेशन ऑफ द आर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इनकी कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से हम लोगों को आर का रिडक्शन देखने को मिल सकता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आर नेक्स्ट जो स्पेशल मैचोरेशन फैक्टर्स होता है वो होता है कैसल्स इंटेंसिक फैक्टर कैसल्स इंटेंसिक फैक्टर हमें पता है कि हमारे स्टोमक के अंदर जो पेराइटल या फिर ऑग्जेंटिक सेल्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है और ये विटामिन बी ट्वेल्व के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना करके उसको एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कराता है तो और विटामिन बी ट्वेल्व इज रिक्वायर्ड फॉर द मेच्योरेशन ऑफ आर बी सी इस वजह से कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर भी एक इम्पॉटेंट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है जिसकी ज़रूरत होती है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द आर पी सी डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली होती है क्योंकि ये विटामिन बी के एब्जॉप्शन में हेल्प करता है एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स की कुछ बात करें जैसे कि विटामिन बी ट्वेल्व और फोलिक एसिड हो जाएगा जिसकी डिफिशियंसी की वजह से हम लोग पढ़ेंगे कि मेगेलो एनीमिया होता है तो एक्सटेंसिक फैक्टर्स में विटामिन बी ट्वेल्व और फोलिक एसिड जो होते हैं ये कुछ एक्सटेंसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इंट्रेंसिक फैक्टर के साथ मिल करके और एब्जॉर्ब होते हैं और मेच्योशन ऑफ द आर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये थे कुछ स्पेशल मैचोरेशन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ एरेथ्रोपोइसिस तो हमने हाइपोक्सी और हार्मोन्स डिस्कस कर लिए जनरल फैक्टर्स के अंदर और डायट्री फैक्टर्स कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर और एक्सट्रेंसिक फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया अंडर स्पेशल मैचोशन फैक्टर्स और ये सब मिल करके हमारे बॉडी के अंदर आर के डेवलपमेंट एंड मैचूरेशन को रेगुलेट करते हैं So, this was all about this video. If you like this video, please hit the like button, do share with your friends, and please subscribe our channel. If you want notes for this video or more such videos, message me on my Instagram handle. Link is given in the description below. Thank you.